मल्टी ब्रांड क्यों? क्योंकि आइडियली देखा गया है कि रेस्टोरेंट से जो लोग क्लाउड किचन में जाते हैं वो उसी का नाम उसी को सब कुछ कॉपी पेस्ट करके बस होम डिलीवरी चालू कर देते हैं। जो आपकी अभी तक की जर्नी रही, कैसे रहे ऑर्डर्स, कैसा चल रहा है, लाइक लोग क्या ऑर्डर करते हैं कोरोना टाइम में? सो ये कम्युनिटी जो हमने बनाई, तो क्या यहाँ पे कोई आपको हेल्प मिली, कैसी लगी कम्युनिटी? क्लैरिटी मिलती है तो पावर आती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लाउड किचन फिनिशर सेशन, जो कि आज हम कर रहे हैं अमन जी के साथ, जो कि इंदौर से हैं और इन्होंने क्लाउड किचन फिनिशर क्वालिफाई किया है। फिनिशर हम तब करते हैं जब आप सीखते हो और सीखने के बाद आप स्टार्ट करते हो अपना खुद का, देन ओनली वी डू इट। और अमन जी ने एक नहीं दो ब्रांड स्टार्ट कर दिए हैं। हाय अमन। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग क्लाउड किचन फिनिशर। थैंक यू सर, आपके गाइडेंस से ही हो पाया ये सब, एंड वॉट एवर यू टॉट अस, जो आपने हैक्स दिए, जो आपने सारी टिप्स दी, जो आपने डायरेक्शन दिया, उसी के कारण हम लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर पाए। अर्लियर वी वर इन टू अ रेस्टोरेंट, फुल फ्लैश रेस्टोरेंट इन टू इन विजयनगर एरिया इन इंदौर, बट ड्यू टू लॉकडाउन हमें बंद करना पड़ा, उसे शट डाउन कर दिया हमने। बट आफ्टर गेटिंग एसोसिएटेड विथ यू, हम लोगों को फिर से इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली कि वी कैन रीस्टार्ट इनटू क्लाउड किचन फॉर्मेट। ओके, सो पहले का आपकी जो जर्नी थी उसके बारे में बताइए। पहले क्या ये रेस्टोरेंट फॉर्मेट था, कैफे था, क्या था एग्जैक्टली? हाँ सर, ये एक पहले प्रॉपर रेस्टोरेंट था जहाँ पर डाइन इन था। ओके, और पीपल कैन कम ओवर, और मतलब हम लोग करीबन 3 साल से ऑपरेट कर रहे थे विजयनगर में, इंदौर में। ओके, तो वहाँ पे जैसा पूरा प्रॉपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होता है, उस टाइप का रेस्टोरेंट था। ओके, काफी बड़ा क्यूजीन था, काफी अच्छा, मतलब वॉकिंस था, सब कुछ था। ओके, सो आप इंदौर से हैं, ये चीजी एएफ ब्रांड आपने पहले स्टार्ट किया था या मल्टीपल ब्रांड्स जो आपने अभी लॉन्च किए पहले स्टार्ट किए थे, या फिर ये फ्रेश है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए जी। ये सब सर, पहले एक्चुअली में मेरा एक दूसरा ब्रांड था उड़न खटोला। ओके, जिसके अंदर अलग अलग क्यूजींस थी, बट आफ्टर गेटिंग एसोसिएटेड विथ यू, ओके, एज पर योर गाइडेंस हम लोगों ने इसको डेडिकेटेड ब्रांड्स हमने लॉन्च करे। ओके, तो वी लॉन्च्ड टू ब्रांड्स, चीजी एफ पिज्जास, विच इज बेसिकली फॉर पिज्जास, और एक दूसरा ब्रांड हमने लॉन्च करा इन नेम ऑफ डेजर्ट मॉन्क, विच इज डेडिकेटेड ब्रांड फॉर डेजर्ट्स। ब्यूटिफुल, so desert mong only for desserts, desserts yes, as in ice creams or what kind of desserts? Sir, basically desserts means cupcakes or brownies, pastries, cakes, these sort of desserts. Beautiful, and cheesy AF mein kya specialization hai aapki, kis cheez ke liye cheesy AF ko log yaad rakhe ji? Sir, cheesy AF mein sir hamare do teen cheeze specialized hai, ek to ki sir hamara jo pizza base hai wo sab bhi hamara khud ka banaya hua hai, that is whole wheat okay pizza base hota hai hamara, okay, aur we have different types of pizza bases, like ek jo regular thick base hota hai waisa hai, ek thin crust hamara pizza hota hai, okay, then hum logon ne thoda shape ke sath play karne ki koshish kari hai, we have launched square pizzas, square thin crust pizzas, और उसमें भी वी हैव गिवन ऑप्शंस, लाइक टू गुड पिज्जा, हम लोगों ने पिज्जा बनाया टू गुड, उसमें दो टॉपिंग्स होती है आधे आधे पिज्जा में, मतलब एक पिज्जा में आपको दो पिज्जा का मजा मिलेगा। क्या बात है, काफी इनोवेटिव है अमन जी। आपकी उम्र काफी यंग लग रही है, सो क्या बैकग्राउंड रहा अभी तक का, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में जी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आई यूज्ड टू वर्क विद अ मतलब गवर्नमेंट कंपनी, एंड साथ में मैंने साइड में मुझे इंटरेस्ट था, काफी पैशन था खाने के लिए, खाने को लेकर, तो आई स्टार्टेड दिस एज अ पार्ट टाइम बिजनेस, एंड सो इसी के साथ फिर धीरे धीरे ये पैशन ग्रो होता गया, नाउ इट इज अ फुल फ्लैश बिजनेस व्हिच आई एम डूइंग। ओके, ब्यूटीफुल, सो अभी ये फुल टाइम आप कर रहे हो, ये जो करंट बिजनेस आप चला रहे हो? हाँ सर, अभी फुल टाइम। ओके, नाइस। सो अमन, मुझे बताइए कि कितना टाइम हुआ है पहले तो इसको लॉन्च किए हुए? सर, हमारा ये दोनों ब्रांड लास्ट मंथ लॉन्च हुए हैं, मिड ऑफ अगस्त, 15th अगस्त को वी लॉन्च बोथ दीज ब्रांड्स। आपने प्रॉमिस किया था, मुझे याद है शायद। हाँ। सो आपने प्रॉमिस पूरा किया और मेरा प्रॉमिस मैं पूरा कर रहा हूँ, सो अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है अमन जब इस तरीके के इंस्पिरेशनल, और ये जो यू नो हम सब यंग ही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं बिजनेस डायनेमिक्स में किसी सिटी के, किसी स्टेट के,
सो बड़ा अच्छा लगता है. सो अमन, आई एम श्योर जब जब आपने सुना होगा यू नो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट के बारे में, प्लस जब यहाँ आपने मे बी मास्टर क्लास भी अटेंड की होगी, स्टिल कुछ तो मन में डाउट्स रहे होंगे. व्हाट मेड यू कम हियर? लाइक क्या थी जो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से यू स्टार्टेड विद द जर्नी, इस कम्युनिटी का पार्ट क्यों बने आप? जी सर, एक्चुअली मैं क्लाउड किचन सुन के थोड़ा स्कैरी लगता था, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने जैसा मॉडल देखा है वॉक इन वाला मॉडल होता है जो फिजिकल दुनिया में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर लोग जाते हैं, तो क्लाउड किचन ऐसे सुन के ऐसा इट वॉज लिटिल हार्ड टू बिलीव कि ऐसा मॉडल चल सकता है और कैसे हो पाएगा. मतलब मुझे पहले पता चला था कि ऐसे कुछ मॉडल्स कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग हमेशा उतना स्टेप नहीं ले पाते थे. हमें लगता था इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सेल इन दिस फॉर्मेट. बट जब मैंने आपकी मास्टर क्लास करी, देन आई गॉट टू नो कि नहीं नहीं बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है. इफ वी विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स तो प्रोबेबली हम कुछ सक्सेसफुल बिल्ड कर सकते हैं. तो जब मैंने आपका मास्टर क्लास ज्वाइन करा तो उसके बेसिस पे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं नहीं वी कैन रीवर्क ऑन दिस मॉडल. दैट्स व्हाई आई जॉइंड, एंड आफ्टर आई जॉइंड आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम योर क्लास. सो उसी के बेसिस पे मैंने फिर ये मास्टर क्लास और आपकी जो आगे की जर्नी थी उसी सारी चीजों को मैंने उसके अकॉर्डिंगली मैंने मेरे ब्रांड्स लॉन्च करे थे. ब्यूटिफुल. और अमन, पर्सनली मुझे आपका लोगो बड़ा अच्छा लगा, चीजी एफ का जो लोगो है और डिजर्ट मॉन्क, राइट? डिजर्ट मॉन्क का जो लोगो है, आई लव दैट. तो ये लोगो के लिए क्या मतलब, क्या आपको हेल्प मिली, कहाँ से, आप खुद ने डिजाइन किया, हाउ डिड दैट केम अप, क्या थॉट प्रोसेस था? थॉट प्रोसेस सर यही था कि जो आपने गाइड किया था कि कोई ऐसा नाम और लोगो ऐसा होना चाहिए जो बहुत इजीली लोगों से कनेक्ट कर सके, जो लोगों को कनेक्ट कर सके, रिमेम्बरेबल रहे और लोगों को एकदम क्लियरली मैसेज दे कि व्हाट इज द ब्रांड अबाउट. तो यही चीज हमने सोच के नाम भी वैसे रखे जो बिल्कुल हमारी क्यूजीन को एग्जिबिट करते हो और जो हमारे रिलेवेंट, जो हमारा कस्टमर नीश है उससे रिलेट कर सके. तो CZF ये जो नाम है, जो लोगो है, ये थोड़ा सा हम लोगों ने मिलेनियल्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करवाया है. मेरे कुछ हैं डिजाइनर फ्रेंड्स, मैंने उनसे बात करा था, तो हम लोगों ने सोचा नाम और लोगो ऐसा रखते हैं जैसे आज के जो यूथ है जिनके जो स्लैंग लैंग्वेज है थोड़ी एक अलग लैंग्वेज है, जो इंस्टा फ्रेंडली है, जो ये सारी चीज. तो यस AF. तो उसी के बेसिस पे फिर हमने इस तरीके का नाम रखा और फिर लोगो भी हमने वैसा ही बनाया जो मतलब पिज्जा को शो करता हो और जो क्लियरली ये मैसेज देता हो कि दिस इज अ पिज्जा ब्रांड. बाय द वे लाइक कर देना अगर बातें अच्छी लग रही हो, सीखने कुछ मिल रहा हो, इंस्पिरेशन मिल रही हो. अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है, मल्टी ब्रांड क्यों? क्योंकि आइडियली देखा गया है कि रेस्टोरेंट से जो लोग क्लाउड किचन में जाते हैं वो उसी का नाम, उसी को सब कुछ कॉपी पेस्ट करके बस होम डिलीवरी चालू कर देते हैं. तो ये डिफरेंट थॉट प्रोसेस कैसे, मतलब हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट इट, और क्या शुरुआत दो ब्रांड से कर दी थी या एक पहले लॉन्च किया फिर दूसरा किया, हाउ वाज दिस जर्नी? जी प्लीज बताइए. सर एक्चुअली में जो हमारा पहले वॉक इन रेस्टोरेंट था वो एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट था जैसे जनरली दुनिया में सारा होता है, और उसका नाम भी बहुत जेनरिक सा था जो मतलब इतना ज्यादा कनेक्टेबल नहीं था. लेकिन जब मैंने व्हेन आई हर्ड फ्रॉम यू, फिर मैंने एनालाइज करा कि या जो रेबल फूड्स है या जो दूसरे क्लाउड किचन सक्सेसफुल क्लाउड किचन मॉडल्स हैं उन लोगों में डेडिकेटेड ब्रांच एक छोटा डेडिकेटेड मेन्यू है जिससे जिस बंदे को जो भी क्यूजीन में इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्ट वो सर्च कर सकता है. तो हमें भी रियलाइज हुआ कि वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन डेडिकेटेड ब्रांड्स रादर देन एक अम्ब्रेला ब्रांड के जिसमें सबके सारे क्यूजीन्स हो. इनफैक्ट इसीलिए मैंने जो ब्रांड्स लॉन्च करे हमारा पहले उसी मेन्यू में हमारा मेन कोर्स भी था, पिज्जा बर्गर वगैरह, और हमारे डेजर्ट्स वगैरह भी सेम मेन्यू में थे. तो फिर देन वी स्टार्टेड दिस डेडिकेटेड ब्रांड. एंड इनफैक्ट जो आप बात कहते हो हमेशा कि हमेशा बंदे को पिज्जा खाना तो याद आना चाहिए कि CZF से खाना है. तो इनफैक्ट जब कुछ हमें ऑर्डर्स भी आने लगे तो हमने लोगों से पूछा कि हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट आवर ब्रांड. उन लोगों ने बोला कि हमने देखा था आपके पिज्जा के बारे में और आपके नाम से, तो जब हमने Zomato के सेक्शन में जाके पिज्जा सर्च करा तो फिर आप सीधे सबसे ऊपर आ रहे थे. तो देन वी गेट टू नो कि हाँ हमें पिज्जा खाना है तो हमें यहाँ जाना है. फिर अगली बार भी अगर रिपीट ऑर्डर आता है तो द कस्टमर्स रिमेंबर कि ये एक पिज्जा ब्रांड है, तो मतलब जब भी उन्हें पिज्जा खाना है दे विल रिमेंबर योर नेम. तो आपका नाम उस तरीके से लोगों के दिमाग में विद क्यूजीन और विद फूड वो कनेक्ट हो जाता है. और क्या एक साथ दोनों ब्रांड लॉन्च किए या फिर क्या डिफरेंस था, कुछ दिनों बाद लॉन्च किया, कैसे मल्टी ब्रांड कैसे आया? तो एक्चुअली में हम लोगों ने इनिशियली पहले हम सिर्फ CZF पिज्जास के साथ वी स्टार्टेड जी, और देन फिर धीरे धीरे हमें थोड़ा सा जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे और जो थे उनसे हमें रिक्वेस्ट आने लगी फॉर डेजर्ट्स,
कि आप अपने डेजर्ट्स वगैरह भी स्टार्ट करिए। फिर अराउंड 22nd अगस्त गणेश चतुर्थी का टाइम था, तो हमारे काफी सारे कस्टमर्स हैं जो बोल रहे थे कि आपके डेजर्ट्स वगैरह काफी अच्छे थे, आप उन्हें रीस्टार्ट करिए। तो बेस्ड ऑन दैट वी फिर हम लोगों ने एक सेकंड ब्रांच अराउंड 15th अगस्त हमने काफी जल्दी में प्लान करके फिर से लॉन्च किया। और अंडर डेजर्ट मॉन्ग फिर हमने गणेश चतुर्थी के लिए स्पेशल चॉकलेट के गणेश जी देखा था, इको फ्रेंडली, लव दैट, लव दैट, वो हमने लॉन्च करे थे। और फिर हमने मोदक, एक्सोटिक मोदक थे, चॉकलेट मोदक, न्यूटेला मोदक और सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स, चॉकलेट ट्रफल मोदक। तो हम लोगों ने फिर इस हिसाब से फिर वो दो ब्रांड्स लेटर ऑन इवॉल्व हुए। कैसा रहा आपका अभी तक का, यू नो ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली टू आस्क, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल जो आपकी अभी तक की जर्नी रही, कैसे रहे ऑर्डर्स, कैसा चल रहा है, लाइक लोग क्या ऑर्डर करते हैं लॉकडाउन में या फिर कह लीजिए कोरोना टाइम में, तो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं? सर इनिशियली तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सेल ऑनलाइन, बट धीरे धीरे हम लोगों को जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आए, जो हमने थोड़ा बहुत मार्केटिंग करी, फिर उससे जो हमें ऑर्डर्स आने लगे, फिर जो हमने ऑर्डर्स के साथ जब आप जो आपने जैसा आपने गाइड किया था, तो हम एक वो एक स्लिप लगा के भेज रहे थे हर ऑर्डर के साथ कि ये टेम्परेचर आज शेफ का था, ये आज राइडर का टेम्परेचर था, और हम लोग क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, वो सब हमने हर ऑर्डर के साथ जाने लगे। तो धीरे धीरे फिर लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा, फिर उन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करा, फिर लोगों ने देखा, तो धीरे धीरे करके ऑर्डर्स ग्रो हो रहे हैं और अभी भी हो ही रहे हैं ग्रो। अमेजिंग। अगेन जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर अमन जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, क्या रोक रहा है आपको? अच्छा, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, जो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस कम्युनिटी के पार्ट बन सकते हो, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर हमारा भी इंटरव्यू लोगे क्या, सो ऐसा कुछ अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए मास्टर क्लास हम लोग कर रहे हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, इस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर लेना, अगली मास्टर क्लास में आओ, क्लाउड किचन में अगर इंटरेस्ट है तो आई विल हेल्प यू गाइस। सो नेक्स्ट मेरा सवाल है आपसे अमन, कम्युनिटी कैसी लगी आपको? आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे अभी हम लोग लगभग 14,000, फेसबुक ग्रुप जो क्लाउड किचन लीडर्स ग्रुप है उस पर हम 6,000, और यूट्यूब जो चैनल है उस पर हम लोग 8,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं इस समय। सो ये कम्युनिटी जो हमने बनाई, इवन जो पेड मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या यहाँ पे कोई आपको हेल्प मिली, कैसी लगी कम्युनिटी, क्या कुछ दोस्त बने, कुछ बातें हुई, कुछ बताइए उस एक्सपीरियंस के बारे में। जी, जो आपने कम्युनिटी बिल्ड करी है दैट इज क्वाइट अमेजिंग और बहुत हेल्पफुल है, एवरीबॉडी सो कोऑपरेटिव। मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये वो लार्ज टीम जो हमें असिस्ट करेगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, पैकेजिंग कैसी करनी है, ऑफर कैसे चलाने हैं, या मेन्यू से रिलेटेड, क्यूजीन से रिलेटेड, उस कम्युनिटी में शेफ्स हैं, एडवोकेट्स हैं, तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल। हमें कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी इश्यू आता है, हम फटाक से एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आगे रह के मैसेजेस करते हैं, हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लोगों से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो आपकी कम्युनिटी है उसका सपोर्ट बहुत अमेजिंग है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस कम्युनिटी का भी हमारे इस क्लाउड किचन को इस इतने कम टाइम में लॉन्च करने का, और बहुत सारी चीजें मुझे उस कम्युनिटी ने दी है। ब्यूटीफुल। सो स्क्रीन पे आपको लिंक भी दिख जाएगा जो जिस पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, इस लिंक को जाके यूआरएल में दिखे लिखेंगे तो। सो अमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज इस क्लाउड किचन फिनिशर में, और अगला माइलस्टोन तो आपको पता ही है, हॉल ऑफ फेम, 2,00,000 रुपए, ₹2,00,000 क्रॉस कीजिए जल्दी से जल्दी, और उसके बाद हॉल ऑफ फेम में फिर से इंटरव्यू करते हैं, और बहुत ज्यादा यू नो वाइब जनरेट करेंगे, डिमांड काफी आएगी उसके बाद, खासकर अगर आप इंदौर से, अगर आप इंदौर से हैं देख रहे हैं तो जरूर ट्राई करें चीजी AF और डेजर्ट मॉन्ग को। अमन जी ने बड़ी मेहनत और बड़े प्यार से बनाया है ब्रांड, और डेफिनेटली आपको काफ़ी पसंद आएगा, इनका एक्सपीरियंस भी है कई सालों का जिसके बाद ये इतनी जल्दी लॉन्च कर पाए, बट हैट्स ऑफ अमन जी आपके एक्शन टेकिंग के लिए कि आपने इतनी जल्दी सीखा और इसको अप्लाई भी किया, बिकॉज सीखते बहुत लोग हैं लेकिन अप्लाई लिमिटेड लोग करते हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अगर आपके पास सारे सिस्टम्स हैं तो फटाफट इस वीडियो को वो इंस्पिरेशन बनाना कि अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब एक दिन का भी डिले नहीं करेंगे और लग जाएंगे और जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहेंगे। अमन जी, लास्ट मैसेज जो देना चाहेंगे जो लोग आज हमको देख रहे हैं उनके लिए, एक कोई भी लास्ट मैसेज, जो इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं आपकी तरह, प्लीज अमन जी। सर मैं यही बोलूंगा कि हर्डल्स आएंगे, हमें भी आए, और मतलब हमें तो ऐसा लॉकडाउन के बाद हमने बहुत ज्यादा मोटिवेशन लूज कर दी थी, हमें लगा था पता नहीं क्या होगा, अब सारी चीजें जीरो पे चली गई थी,
बट अल्टीमेटली ये है कि आपको मोटिवेटेड रहना है. यू नो योर जॉब, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो यू विल गेट इट डन. वो हो जाएगा, बस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है. और आपके जैसे मेंटर्स हों तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जर्नी. तो बस मोटिवेटेड रहना है और काम करते रहना है. बिल्कुल अपने आप होती है सारी चीज़ें अपना रास्ता खुद बना लेती हैं. यू विल गेट सक्सेस. क्लैरिटी मिलती है तो पावर आती है और कॉन्फिडेंस भी आता है काम करने का, राइट? सो थैंक यू सो मच अमन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्मॉल बट वेरी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. क्लाउड किचन फिनिशर आपने जीता है और नेक्स्ट आपका वेट रहेगा हॉल ऑफ फेम में जब आप 2 लाख रुपए का रेवेन्यू क्रॉस करेंगे. तो सो थैंक यू सो मच अमन, बाय बाय, टेक केयर. ओके, सो दैट वॉज अमन फ्रॉम इंदौर जो कि फाउंडर हैं चीजी AF और डिजर्ट मॉन्क ब्रांड के. अभी बहुत रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये लॉन्च करेंगे अपना ब्रांड और इन्होंने उसी समय तक लॉन्च कर दिया, जो कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं. तो गाइज अगेन आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में भी इस समय चैलेंज आ रहे हैं, मे बी चीज़ें निगेटिव हैं, मे बी आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो जहां समझ में आए, जिसका समझ में आए, फिगर आउट अ वे बट स्टार्ट टेकिंग एक्शन. दैट्स ऑल आई विल से. शुरुआत आप YouTube चैनल से सीखने से कर सकते हो. आप आ सकते हो मास्टर क्लास में जो मैंने लिंक ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसमें भी आ सकते हो. बट स्टार्ट लर्निंग, द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी सक्सेसफुल. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.